वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका लगा है। चार राज्यसभा सांसद टीडीपी छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे। चार राज्यसभा सांसदों ने उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप चुके हैं। राज्यसभा सदस्य सीएम रमेश टीजी वेंटकेस बीजेपी में शामिल होंगे। जी मोहन राव और वाईएस चौधरी भी बीजेपी में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी से चार राज्यसभा सदस्य इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होंगे। टीडीपी से राज्यसभा सदस्य रहे सीएम रमेश टीजी वेंटकेस, जी मोहन राव और वाईएस चौधरी ने उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि टीडीपी के राज्यसभा के कुल 6 में से 4 सदस्य अगर पार्टी छोड़ते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ऐसे में वो राज्यसभा के सदस्य भी बने रहेंगे। तो बड़ा झटका जरूर लगा है टीडीपी को। एक बार एक तो हार मिली लोकसभा चुनाव में भी और राज्यसभा चुनाव में तो हार मिली ही, और उसके बाद अब चार राज्यसभा सदस्य जो हैं वो अब बीजेपी में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, चार राज्यसभा सांसद टीडीपी छोड़ बीजेपी में शामिल, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। इस वक्त की बड़ी खबर, चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि जरूर कही जा सकती है, क्योंकि राज्यसभा सांसद भी बने रहेंगे। क्योंकि एक साथ चार सदस्यों ने छोड़ा है तो दल बदल का भी इसमें फॉर्मेट नहीं आ सकता, तो इससे सीधा फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका जरूर लगा है। वहीं इस पर विशेष जानकारी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ वाशिम मिश्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। वाशिम सर, अगर देखा जाए तो बड़ा झटका जरूर लगा है और बीजेपी के लिए इसको बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, इससे सबसे बड़ी कामयाबी तो बीजेपी की है, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं था और इन चार सांसदों के इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी राज्यसभा में भी बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए है और एनडीए के लिए है। दूसरा जो कारण है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में उद्योगपति, कारोबारी, कॉन्ट्रैक्टर, इनका बोलबाला रहा है, और वो चाहे वाईएसआर कांग्रेस रही हो या टीडीपी रही हो, जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके साथ वहाँ के ये बड़े कारोबारी जुड़ जाते हैं और चुनाव लड़के राज्यसभा और लोकसभा तक पहुंच जाते हैं। तो अब इस समय चूंकि टीडीपी की सरकार नहीं है, न तो राज्य में है और न देश में, टीडीपी और बीजेपी के रिश्ते अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में ही जो कारोबारी सांसद थे जिनके की हजारों करोड़ के कारोबार हैं पूरे देश में, उस कारोबार को बचाए रखने के लिए इनके सामने मजबूरी थी कि ये सत्तारूढ़ दल से जुड़े। अगर इस सत्तारूढ़ दल से नहीं जुड़ते तो इनके हजारों करोड़ के जो कारोबार हैं उसको संकट खड़ा हो जाता। इसलिए अपने हजारों करोड़ के कारोबार को बचाए रखने के लिए और सत्ता में से करीबी रिश्ता बनाए रखने के लिए इन सांसदों ने इस्तीफा दिया है। इसके पीछे कोई वैचारिक या सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं है। और इन चारों के इस्तीफा देने के साथ ही एक तरफ जहां राज्यसभा में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच जाएगी और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की राजनीति में जहां की टीडीपी का सफाया हो गया है, वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में है, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध है, तो उसको देखते हुए भी इन सांसदों ने सोचा होगा कि टीडीपी का दामन छोड़ के सत्तारूढ़ दल का दामन थामा जाए। जी, वही जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कई विधेयक हैं जिसे पास कराना है। लोकसभा में तो बहुमत में है ही अगर एनडीए की बात की जाए, लेकिन अब राज्यसभा में भी जरूर फायदा मिलते दिखेगा। हाँ, विधेयक पास कराने से लेके और भी तमाम ऐसे काम काज होते हैं जो बहुमत के आधार पर लोकसभा में तो पारित हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल कम होने के वजह से सत्तारूढ़ दल को शिकस्त उठानी पड़ती है। तो इस तरह के गतिविधियों के चलते और कार्रवाई के चलते राज्यसभा की टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी चार सांसदों के इस्तीफा देने के बाद। और मुझे लगता है कि इन लोगों को बीजेपी कोशिश करेगी कि वाईएसआर कांग्रेस के माध्यम से या बीजेपी खुद अपने किसी न किसी राज्य से इनको राज्यसभा में ले आए
और बदले में ये बड़े कारोबारी हैं, तो इनके कारोबारी हैसियत का भी पार्टी को लाभ मिलेगा आने वाले समय में जी। तो एक फायदा जरूर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका लगा है, 4 सांसद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल।